इंटरनेट की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं थिंक टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंस्टाग्राम के ऐसे फीचर के बारे में बताऊंगा जिसे आप जानते भी हों शायद ना भी जानते हों। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई प्रोफेशन है, उसे आप सबको दिखाना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम के इस फीचर के माध्यम से आप सबको दिखा सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल स्टेप फॉलो करके। तो दुनिया के सभी पर्सन में कोई ना कोई टैलेंट होता है। उस टैलेंट को दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। सोशल मीडिया साइट्स बहुत सी हैं, पर इंस्टाग्राम के इस स्पेशल फीचर का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम को ओपन करके आपको दिखाता हूँ मैं पहले। जैसे कि ये इंस्टाग्राम मैंने ओपन कर ली है, तो इंस्टाग्राम में अपनी प्रोफाइल को ओपन करता हूँ। तो इंस्टाग्राम में अपनी प्रोफाइल को ओपन किया है। पहले मैं भी इंस्टाग्राम बहुत कम यूज़ करता था, परंतु आजकल मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ, कुछ ही डेज का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एक पोस्ट को दिखाता हूँ आपको, ये वाली पोस्ट है, तो इसके नीचे कोई भी अच्छी नहीं लग रही है। इस चीज़ को मैं सबको कैसे दिखाऊँ, ये स्पेशल फीचर सबको कैसे दिखाऊँ, इसके लिए ये वीडियो है। तो आपके अंदर सिंगिंग है, ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, वेबसाइट मेकर हैं आप, कोई भी टैलेंट आपके अंदर है, तो इंस्टाग्राम के इस फीचर से आप सबको दिखा सकते हैं, अपना प्रोफेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा फीचर है ये इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम एक प्रोफेशनल लोग ही यूज़ करते हैं, तो अपने प्रोफेशन को आप बहुत ही अच्छे ढंग से जहाँ पर बता सकते हैं। मेरा प्रोफेशन है जो फोटोग्राफी है, तो मैं फोटोग्राफी से रिलेटेड पोस्टें डालता हूँ इधर। तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट मैंने क्रिएट की है, उस पर मैं फोटोग्राफी करता हूँ, तो उससे रिलेटेड मेरा प्रोफेशन है। तो वो मैं इंस्टाग्राम पर इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो वो कैसे इम्प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं आपको। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, साइड में आपको थ्री लाइन्स ऊपर नज़र आ रही होंगी, थ्री लाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे थ्री लाइन पर क्लिक करना है, तो आपको सबसे नीचे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको बहुत से ऑप्शन आएंगे, बीच में आपको ऑप्शन आएगा अकाउंट का, अकाउंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, तो नीचे आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, किसी प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं। तो बहुत ही अच्छा फीचर है इंस्टाग्राम का, जे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको दो ऑप्शन जहाँ पर आएंगे, क्रिएटर का और बिजनेस का। आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप एक डांसर हैं, कोई चीज़ डांस क्रिएट करते हैं, तो वो आप स्पेशल फीचर इधर डाल सकते हैं। अगर आप बिजनेस में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो बिजनेस वाले को क्लिक करना है। अगर आप क्रिएटर हैं, तो क्रिएटर वाले पर क्लिक करना है। तो मैं एक क्रिएटर हूं, तो क्रिएटर पर मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही क्रिएटर पर क्लिक किया है, तो जहां पर भी बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, वहां पर मैं क्लिक करता हूं। पहले आपको ऊपर से पढ़कर बताता हूं, फ्लेक्सिबल प्रोफाइल कंट्रोल्स मोर ग्रोथ टूल्स, यहां पर लिखा हुआ है मोर, आपकी जो प्रोफेशन है उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी इस फीचर से। तो बहुत ही अच्छा फीचर है जो इंस्टाग्राम का। नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ मैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टर, आर्टिस्ट, आर्थर, ब्लॉगर, शेफ, किसी भी तरीके की आपके अंदर एक स्पेशल प्रोफेशन है, उसको आप जहाँ पर दिखाना चाहते हैं, तो इस फीचर से आप सब लोगों को दिखा सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है। तो इसके लिए मेरा प्रोफेशन है जो फोटोग्राफी में है, अभी थोड़े दिन जस्ट पहले ही मैं शुरू किया फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी का मेरा प्रोफेशन था। पहले मेरे पास कुछ टूल भी नहीं थे अपने फोटोग्राफी के प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो अभी मैंने जो फोटोग्राफी से जुड़ी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी मैंने ली हुई हैं। तो अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव करना चाहता हूँ फोटोग्राफी के माध्यम से। अगर आप एक एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, ऑथर हैं, ब्लॉगर हैं, एक नए नए ब्लॉग क्रिएट करते हैं, शेफ़ हैं, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, कोच हैं किसी चीज़ स्पेशल फीचर में, किसी स्पेशल क्रिकेट में, या किसी भी चीज़ में आप कोच हैं, तो आप उसका
क्लिक कर सकते हैं। डांसर हैं, डिज़ाइनर हैं, कोई चीज़ नई नई चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, एडिटर हैं, वीडियो एडिटर हैं, या फैशन डिज़ाइनर हैं, फैशन मॉडल के, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक फ़ोटोग्राफरी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो मुझे फ़ोटोग्राफरी पर क्लिक करना है। जैसे ही फ़ोटोग्राफरी पर क्लिक करता हूँ तो डिस्प्ले कैटेगरी लेवल, आपको अपना लेवल को डिस्प्ले करना है या नहीं करना है, इसके लिए नीचे ऑप्शन बना हुआ है, उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो ऑप्शन लेवल है जो आपका वो शो होगा। उसके बाद नीचे डन पर क्लिक करना है। जैसे ही डन पर क्लिक करता हूं कुछ लोडिंग लेगा, तो लोडिंग लेने के बाद आपको इसको आपको एडिट प्रोफाइल भी कर सकते हैं, जहां पर मेरा नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं आप, पेजेस बना सकते हैं, जैसे पेज अलग कॉन्टैक्ट का पेज हो गया। उसके बाद कैटेगरी मेरी फ़ोटोग्राफी आ गई, तो मेरी ईमेल वगैरह, मोबाइल नंबर, जेंडर वगैरह आ गया, तो इसे आप क्लिक कर दें। तो जहां पर मेरा जो प्रवीण कुमार पीके मेरी आईडी है, उसके नीचे फ़ोटोग्राफर का टैग लिखा हुआ आ रहा है, जो काफ़ी अच्छा लगेगा आपकी आईडी अगर ओपन करेगा। तो मैंने 24 पोस्ट डाली हैं, तो 169 फॉलोअर हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही डाली हैं, तकरीबन 15 या 20 दिन हुए हैं, तो मैं ये इमेजेस डालता हूँ। तो इमेजेस से मेरा, फ़ोटोग्राफी से मेरा एक ड्रीम है, तो उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम को लेकर। तो इधर साइड में आपको प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन भी आया, तो पहले ये ऑप्शन नहीं था, तो इसके लिए ये फीचर बहुत ही स्पेशल दिखेगा। अगर आपकी प्रोफाइल में कोई जाता है तो बहुत ही अच्छा फीचर लगता है। तो नीचे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, ब्लॉग क्रिएट किया, अभी मैं इसको वेबसाइट में क्रिएट कर दूंगा, 143pic.blogspot.com। इस लिंक पर क्लिक करते ही मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर मैं मोबाइल के वॉलपेपर डालता हूं और कुछ नेचुरल इमेजेस डालता हूं। जैसे एक लिंक को क्लिक करके आपको बता देता हूं, मैं कुछ इस टाइप की इमेजेस मैं डालता हूं, नेचुरल इमेजेस। तो ये मेरी वेबसाइट है, तो इस प्रोफेशन को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो ये प्रोफेशनल प्रोफाइल आपकी इंस्टाग्राम पर बन जाएगी, तो बहुत ही अच्छा फीचर है। मैं फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए भी वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक के बटन पर ज़रूर हिट करना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।